हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी द थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट वे. वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट. वाज इट अ गोस्ट? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ रियल गोस्ट इन द स्टोरी और नॉट. सो दिस करिकेचर दैट यू सी is of Ishwaran the storytellers, right? So let's move further and enjoy the story. So this story was narrated to Ganesh by a young man, Mahinder, right? So you see, this story was told by Mahinder himself, right? He was a junior supervisor in a firm which offered on-hire supervisors at various types of construction sites. So Mahinder worked in a firm that supplied supervisors to various construction sites, right? So jo Mahinder tha wo ek aisi company mein kaam karta tha jo supervisors provide karwati thi construction sites pe, construction sites such as factories, bridges, dams and so on. So Mahinder's job was to keep an eye on the activities at the work site. So a job of the supervisor is to supervise, that is they see that everything at the construction site or any other working site goes on smoothly and properly, that no time is wasted, everyone who is hired is working properly, resources are not wasted, material is not wasted. So these things supervisors ensure. So Mahinder was a supervisor, right? He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. सो महेंद्र को काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी. उसकी कंपनी कभी उसे कहीं भेज देती थी, कभी कहीं भेज देती थी. तो महेंद्र को एक जगह से दूसरी जगह अक्सर जाना पड़ता था. फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. सो कभी उसकी कंपनी उसको कोयले की खान में भेज देती थी जहाँ पे काम चल रहा होता था, कई बार कहीं पे रेलवे ब्रिज बन रहा होता था वहाँ भेज देती थी, कई बार उसको कहीं जगह पे जैसे नई कोई फैक्ट्री लग रही हो जैसे कि केमिकल प्लांट तो वहाँ भेज देती थी. तो उसको काफ़ी घूमना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था. ही वॉज ए बैचलर. सो वो कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वारी. सो महेंद्र की जो ज़रूरतें थी वो बड़ी कम थी, और वो अगर उसको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता या कोई उसको एडजस्ट करना पड़ता तो वो ईजीली एडजस्ट कर लेता था. जैसे कि कई बार उसको जब वो कहीं दूर जगह पे जाता था तो उसको सर्किट हाउस में रहना पड़ता था, ऐसे सर्किट हाउस में जो इल इक्विप्ड होता था, मतलब वहाँ पे पूरा सामान नहीं होता था, पूरी फैसिलिटीज नहीं होती थी, वो फिर भी एडजस्ट कर लेता था. कई बार तो उसको मेक शिफ्ट कैनवस टेंट में रहना पड़ता था, मतलब कई बार तो उसको ऐसी जगह पे रहना पड़ता था जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, तो वहाँ पे एक टेंट लगाया जाता था कैनवस का. कैनवस इज ए थिक क्लोथ. तो और ऐसा अक्सर वहाँ होता था जहाँ पे कोई खदान का काम चल रहा हो, जैसे कि पत्थर निकाले जा रहे हो या कोयला निकाला जा रहा हो. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. लेकिन महेंद्र की एक बहुत ही बढ़िया संपत्ति थी, मतलब उसके पास एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, और वो था उसका कुक ईश्वरन. उसका नाम था ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. सो कुक का महेंद्र के साथ बड़ा प्यार था, बहुत अटैचमेंट थी उसके साथ. सो जहाँ भी महेंद्र जाता ईश्वरन उसके साथ साथ जाता, क्योंकि उसको उसके साथ प्यार था, उसकी उस देखभाल करना अच्छा लगता था. सो ही कुक्ड फॉर महेंद्र. वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, वॉश्ड हिज क्लोज, उसके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को सोने से पहले उसके साथ ढेर सारी बातें करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो बहुत ही बढ़िया कहानियाँ सुनाता था, एंड एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स मीन्स पर्सनल इंसीडेंसेस, पर्सनल स्टोरीज हैविंग ह्यूमर, हंसी मजाक वाली, ऑन वेरिड सब्जेक्ट. और उसके पास हर सब्जेक्ट की कहानी थी, और वो कहानियां अक्सर महेंद्र को सुनाया करता था.
Iswaran had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. So let's understand. So this line means कि जब भी ईश्वरन और महेंद्र किसी दूर दराज के इलाके में जाते थे, यह डेसोलेट लैंडस्केप जहाँ पे आसपास कोई मार्केट नहीं होती थी, कोई दुकान नहीं होती थी, वहाँ पे जाके वो एक टेम्परेरी से घर में रहते थे, वहाँ भी ईश्वरन ऐसी ऐसी बढ़िया चीज़ें महेंद्र को बना के खिलाता था कि महेंद्र हैरान हो जाता था कि इसने ये सब्जी और ये जो मसाले, ये जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, ये कहाँ से लेके आया। तो महेंद्र हैरान हो जाता था कि हाउ एट सच ए डेसोलेट प्लेस ईश्वरन कुड प्रोड्यूस सच फ्रेश एंड सीजनल वेजिटेबल्स एंड अरेंज कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। सो यू सी ही वाज वेरी वेरी गुड एट इट। सो महेंद्र ऑलवेज वंडर्ड एट हिज दिस अबिलिटी। सो ही वुड मिराकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो जैसे ही उनको कहीं दूर दराज इलाके में भेजा जाता था, वहाँ पे ना घर होता था, ना कोई रहने का ठिकाना, ना आसपास कोई कॉलोनी, ना कोई आसपास मकान, ना कोई दुकान, ना मार्केट, तो ऐसे इलाके में भी जो ईश्वरन था वो उसको डिलीशियस डिशेज बना के देता था और महेंद्र इस बात के लिए उस पर बिल्कुल हैरान हो जाता था। Now there are some new words in this paragraph. Let's have a look at their meaning. So the first word is desolate. So here is its pronunciation. Desolate. Desolate. So desolate place is empty and without people and making you feel sad or frightened, right? So second meaning is conjures something from or out of something. Here to conjure up means to create something or make something appear in a surprising or unexpected way. So Mahendra's routine at such far off places would be like this. So he would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. So Mahendra jab bhi aisi dur daraj ki jagah pe jata tha supervision karne ke liye, to wo jaldi uth jata tha और नाश्ता करने के बाद अपने साथ वो लंच ले जाता था जो कि उसके लिए ईश्वरन बनाता था। तो महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। तो ईश्वरन उस टेम्परेरी शेड की सफाई करता था, वॉश क्लोथ्स और जो मैले कपड़े होते थे महेंद्र के और अपने, उनको धोता था एंड हैव ए लीजरली बाथ। और ये सफाई वगैरह करने के बाद वो बड़ी लंबी रिलैक्स तरीके से नहाता था, pouring several buckets of water over his head. और नहाते हुए वो काफ़ी पानी इस्तेमाल करता था, काफ़ी बाल्टियाँ अपने सिर पे डालता था और जब भी वो नहाता था muttering a prayer all the while. Muttering means saying a prayer in low voice to God all the while. नहाते नहाते वो परमात्मा से प्रार्थना भी करता था। So तब तक lunch time हो जाता था, it would be lunch time by then. So after eating his lunch, he would read for a while before dozing off. So लंच करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए किताब और किताबें पढ़ता था, राइट? और किताबें पढ़ने के बाद वो सो जाता था। सो जो वो किताबें पढ़ता था, द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, वो थ्रिलर किताबें पढ़ता था। थ्रिलर मीन्स फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज एंड फुल ऑफ मेलोड्रामा, जिसमें काफ़ी एक्शन हो, ठीक है, सस्पेंस टाइप। और वो जो कहानियाँ भी छोटी छोटी नहीं, लंबी कहानियाँ पढ़ता था, रनिंग एट टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, राइट? और वो कहानियाँ हंड्रेड्स पेजेस लॉन्ग होती थी। सो इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड स्वरन इन थ्रॉल। सो जब वो कहानी पढ़ता था ऐसी, तो जो उस कहानी को डिस्क्राइब करने की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी बढ़िया बढ़िया सी, वो उसको उसकी तरफ बड़ा अट्रैक्टेड रहता था। वो पढ़ते पढ़ते खो जाता था, घंटों पढ़ता रहता था। और नेचुरली तो पढ़ पढ़ के उसको जो इमेजिनेटिव स्टाइल था और जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल स्टोरीज का था, उसकी लैंग्वेज में भी आ गया था। तो जब वो कहानियाँ लोगों को सुनाता था, जब उनसे वो बातें करता था, वो बिल्कुल किताबी लैंग्वेज यूज़ करता था जो कि लोगों को हैरान कर देती थी कि ये इतनी अच्छी लैंग्वेज कहाँ से यूज़ करता है। एक्चुअली ये सारा कुछ उसने तमिल थ्रिलर बुक से सीखा था।
So his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. So I have already told you. So you see the stories here that he read, the suspense stories, he would enjoy them a lot. So anything that you enjoy a lot, you keep doing it. So as a result, whatever you keep doing it, it becomes your habit, right? So then when something becomes your habit, you use it a lot with yourself and others. So you see, so whatever he described, right? So he described as beautifully as the descriptions present in these books. So he himself became a great describer. So बेटा जैसे हम किताबें पढ़ते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, राइट? सो ईश्वरन क्योंकि सस्पेंस वाली किताबें पढ़ता था तो वो जो ऑथर्स लिखते थे बढ़िया, उसकी वोकैबलरी भी अच्छी हो गई थी, उसके पास आइडियाज भी अच्छे हो गए थे. तो जब भी वो कोई चीज डिस्क्राइब करता था वो ऐसे डिस्क्राइब करता था जैसे कि वो ऑथर्स डिस्क्राइब करते थे सस्पेंस स्टोरीज. सो व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड ए सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट. सो एज ए रिजल्ट वट एवर थिंग्स ही डिस्क्राइब मीन्स इवन वाइल टॉकिंग टू पीपल इन जनरल ही वुड डिस्क्राइब द ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर, राइट? सो ही वुड इवन क्रिएट सस्पेंस इन यू सी डिस्क्राइबिंग हाउ टू मेक टी एंड देन सो ही ट्राई टू मेक द एंडिंग ऑफ दैट इंसिडेंट वेरी सरप्राइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्रो सूटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. सो आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. सो यू सी हिज अबिलिटी टू डिस्क्राइब स्ट्रेंजली एंड फनीली. सो वो इवन जो छोटी छोटी चीजें थी उनको बड़ा अजीब सा डिस्क्राइब करता था. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने ये डिस्क्राइब करना है कि वो सड़क पे उसको एक पेड़ गिरा हुआ मिला तो वो उसको ऐसे डिस्क्राइब करता था, अपने फेस के एक्सप्रेशंस ना अजीब से बना ले, एक्टिंग बहुत करता था, आईब्रोज ऊपर कर लेता था और हैंड्स को भी हिला के काफी एक्टिंग करता था और ये कहता था कि मैं सड़क पे जा रहा था, सड़क पे कोई नहीं था, डिजर्टेड मीन्स अलोन, आई वॉज अलोन, और तभी मैंने देखा कि सड़क के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जानवर लेटा हुआ है. तो मेरे दिल में आया इस जानवर को देख के कि यहाँ तो मैं भाग जाऊं, लेकिन ज्यों ही मैंने उस जानवर को ध्यान से देखा और मेरे को पता लगा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है और जो उसकी सूखी ब्रांचेस हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं. सो यू सी, सिर्फ ये कहना कि मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा वो पूरी कहानी बना देता था. सो महिंदर वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. और जो महिंदर था उसका मालिक, वो उसकी कहानियों को बड़े आराम से सुनता चेयर पे बैठ के और वो उसको कभी डांटता नहीं था. हियर इज द वर्ड स्प्रॉल्ड, लिसन टू इट्स प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट. Sprawled, sprawled. So you see, sitting or lying with your arms and legs spread out in a lazy or awkward way, right? So sitting or lying in an awkward way with your arms and legs spread out in all directions. Students, there was another word in the paragraph, last paragraph, which you must focus on, this word arched, right? So let me here explain you its meaning, right? And show you what it means here. Here is the word arched. Listen to its pronunciation. Arched. 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 Now let me show you what an arch is. This structure is an arch, right? So it means his eyebrows were, you see, raised in surprise like an arch, right? So whenever Iswaran and Mahinder
would be sitting together, they would often talk to each other. And the place I come from is famous for timber. Note down the word timber. Timber means wood, lakdi. So Iswaran would begin. Iswaran kahani sunani shuru karta tha ki jahan se main belong karta hu wahan pe bahut lakdi hai. There is a richly wooded forest all around. Sab jag, matlab, there is a forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. And when they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. And though the forests are cut and the cut trees are lifted by elephants and the elephants lift the cut trees and put them into lorries. Hauled means pulled. So the elephants are huge and very fat beasts. And when they go wild, that is when they go out of control, even the experienced mahouts, mahouts means the animal who, the man who controls elephants, is not able to control them. So after this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. So iske baad wo ye batata tha. Prologue means introduction. Ye wala intro, this is called prologue. Prologue means introduction. Iswaran ye sab batane ke baad ek kahani sunani shuru karta tha ki uska hathi ke saam ek encounter hua. So anecdote, note down. Anecdote. A short, interesting or amusing story about a real person or an event. So, a personal account of an event. So, whenever you tell your personal story to someone, that is called anecdote. Anecdote. So, one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. Tusker here is an elephant with long tusks. Tusks means uske teeth. So, Iswaran yahan pe kahani suna raha tha. Ek din, ek बड़ा सा एलिफेंट वहां से भाग गया जहां पे वुड कट रही थी और इधर उधर चलने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस मीन जो भी चीज उसके रास्ते में आई, झाड़ियां, पेड़, उन सबको वो उखाड़ता गया. टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स. क्रीपर्स हियर मींस क्लाइंबिंग प्लांट्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. सो यू सी मींस वन डे अ बिग एलिफेंट escaped from that area where the wood was being cut and he became mad, wild, and he started each and every he attacking each and everything that came on his way. He stamped the bushes, tore the wild creepers and broke the branches. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. So he was telling this story to Mahinder. Usne kaha, sir, aapko pata hi hai jab ek hathi pagal ho jata hai to kya karta hai. So Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. So you see, Iswaran liked telling stories so much and he got so much absorbed in telling the story that he would start behaving like an elephant. Means, so whatever character he was telling the story about, he started behaving like that character. For example, हाथी के बारे में बताते बताते कि वो कैसे हाथी सब कुछ तोड़ रहा था, डैमेज कर रहा था, वो खुद हाथी बन के ना उन दिखाता था कि ऐसे जंप मारता था, पैर नीचे जमीन पे मारता था और बिल्कुल पागल हाथी की तरह एक्टिंग करता था. Emulate. Emulate. To try to do something as well as somebody else. So try to copy someone whom you admire. So the elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. So Iswaran story ko continue kar raha hai ki wo pagal hathi hamare shahar ke bahar pahunch gaya aur jo char diwari thi logo ki wo aise todne laga jaise ki matches ki tiliyan todte hain. So the elephant reached and he started behaving wildly and breaking the fences of people's houses as if they were matchsticks. So he would continue. He would continue means Iswaran story sunata rehta tha. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits,
mud pots and clothes. And you see, whatever came on his way, it broke. People ran helter and skelter in panic. Log dar se idhar udhar bhagne lage. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. And that mad elephant entered a school by breaking the fence of the school that was made up of bricks. And all the boys in the school ran into the classrooms and shut the doors tight. So the beast grunted. Grunted means hathi jaisa apna shor karte hain. And wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. Teachers dar ke chhat ke upar chad gaye. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Aur jo elephant ne tabahi ki usko dekhte rahe. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. And seeing the mad elephant behaving violently, everybody was locked, right? Everybody locked himself within their rooms, and it appeared as if the entire town was empty. People had gone somewhere, right? Now just So in the paragraph, there was a word depredation. First of all, listen to its pronunciation. Depredation. Depredation. It means acts that cause damage to people's property, lives. I told destruction, damage, right? So that is depredation.
So I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. So you see, Iswaran was also in that school as a child, and he was studying and he was at the rooftop at that time. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. So you see, instead of getting scared, Iswaran as a child had a plan. So he, you see, grabbed means he took a cane, it may be a sugar cane or it may be a stick. I think it's a sugar cane because elephants like sugar canes, from the hands of one of the teachers, and he went towards the elephant, right? The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. So you see, seeing a child coming towards it, the elephant, you see, tried to threaten that boy by making a sound in the throat, grunted, and menacingly means threateningly, swung, the second form of swing, a branch of a tree which it was holding in its trunk. So it stamped its feet, and the elephant also, you see, thumped his feet on the ground, kicking up a lot of mud and dust. So it looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. So people were watching the scene, hypnotized, from nearby housetops. So the elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. So at that moment, I moved forward, mustering all my force. So it was not beta a sugar cane, it was simple stick, right? So you see, Iswaran, with that stick in his hand, went to the elephant, and the elephant tried to warn Iswaran that he must not come near him. So he even trumpeted. Trumpeted is the sound that the elephants produce, right? So you see, when they curl their trunk, and then they produce their sound. So, and at people standing on the rooftops, they were looking at Iswaran, you see, daring to scare or pacify the elephant. So whack means he hit the elephant with that stick. Whack is the sound of a stick moving in the air and then striking against something. Mustering means collecting all my force. Whack, hit the elephant, right? So let us see what happened then. And he hit its third toenail on the quick. You see, toenail. So elephants have big toes and big nails. So he hit him on the toenail, which is a sensitive part. So the beast looked stunned for a moment. Stunned means surprised, shocked. Then it shivered from head to foot and collapsed. And you see, the impact of the stick on the toenail pacified the elephant. The elephant was stunned, means shocked, and then the elephant shivered, kampa, from head to foot and collapsed or gir gaya. You see, Iswaran telling a strange story. How can a human being make an elephant fall on the ground? So this is all melodramatic, that is filmy style में स्टोरी सुनाई है उसने. So at this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." So you see, हमेशा वो अपनी स्टोरी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से एंड में, ना इनकम्प्लीट एंड में, और इंटरेस्टिंग से एंड में छोड़ के चला जाता था, और ये कहता था, "मैं अभी आया डिनर बना के." ठीक है, और स्टोरी अनफिनिश छोड़ जाता था. मम्बलिंग मीन्स saying something in a low voice. I'll be back after lighting the gas and warming up the dinner. अभी डिनर गर्म करके आया. So Mahinder, who had been listening with rapt means complete attention, would be left hanging. Hanging means he would be wondering ki what kind of story he has told me, because
he would not Iswaran would not take any question. That is, if Mahinder would ask him how he made the elephant fall, so he would not, you know, allow him to come up with his questions. So when he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. So Mahinder would have to remind him that the conclusion was pending. So जब वो थोड़ी देर के बाद वापस आता था, तो महेंद्र उसको बताता था कि तुमने जो पहली स्टोरी है उसकी एंडिंग की नहीं है, तो उसको पहले एंड तो कर दो. तो राइट, वेल ए वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. सो ही वुड स्टार्ट स्टोरी कि ओके एलिफेंट क्योंकि बेहोश हो गया था, सो एन एनिमल डॉक्टर, वेटरिनरी डॉक्टर, यू सी अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स इज कॉल्ड वेटरिनरी डॉक्टर, और वी ऑल्सो कॉल हिम वेट. राइट, तो उस एनिमल डॉक्टर को बुलाया गया ताकि उसको होश में लेके आया जाए. सो ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग मीन्स रेज हिज शोल्डर्स, जैसे हम अपने कंधे नहीं उठाते जब हम कहते मुझे क्या पता. सो ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महाव टू द जंगल, और दो दिनों के बाद उसको होश आया और जो उसका महावत था वो उसको जंगल में वापस ले गया. तो ऐसी So well, how did you manage to do it, Iswaran? How did you bring down the beast? So Mahinder would ask, ki yaar, tumne ye kaise kiya? Ek haathi ko niche gira diya. So he says, it has something to do with the Japanese art, I think, sir, karate or jiu-jitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. So you see, he would reply, ki Iswaran would reply that he knew a Japanese art, karate or jiu-jitsu, and in this art one knows where to hit on the weak point of any human body or animal body. So when you hit on that weak point, it paralyzes the nervous system. So you see, so by hitting on the nail of third nail of the elephant's toe, he had hit the elephant's weak point, so it had paralyzed him, right? So this was his reply to Mahinder. So not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. So you see, every day Iswaran would tell either an adventure story or a horror story or a suspense story. Whether the story was credible or not, credible means believable. तो वो ऐसी कहानी सुनाता था जिसके ऊपर विश्वास भी नहीं कई बार होता था. So but Mahinder enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. So Mahinder ko story se jada jo Iswaran ka storytelling style tha, inimitable means which cannot be copied. To inimitable means which cannot be copied. To uska wo style acha lagta tha. Story se jada usko uska style acha lagta tha. So Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahinder's living quarters. So you see, जैसे हमारे घरों में टीवी है, हम मतलब जब हम बोर होते हैं तो टीवी देख लेते हैं, वैसे ही इन दोज डेज महेंद्र के घर में टीवी नहीं था. सो जो ईश्वरन था वो टीवी का काम पूरा कर देता था. सो ईश्वरन मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र क्वार्टर. सो ईश्वरन वॉज सो एंटरटेनिंग. So one morning when Mahinder was having breakfast, Iswaran asked, can I make something special for dinner tonight, sir? So one morning Mahinder was having his breakfast and Iswaran ne pucha, sir, aaj raat ko khane ke liye kuch special banau? So after all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. Kyunki kehta, sir, aaj ek bada hi achha din hai. मतलब एक स्पेशल डे है और हमारे कल्चर के अनुसार, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार आज हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं ताकि हम जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पूर्वज हैं, उनकी आत्माओं को वो खिला सके. देयर इज़ ए कंसेप्ट इन आर कल्चर कॉल्ड शराद. सो इन शराद द डिशेज आर कुक्ड फॉर द स्पिरिट ऑफ द डेड ones. So that night Mahinder enjoyed the most delicious dinner and complimented means praised Iswaran on his culinary skills. I have already told you, cooking skills. We already know Iswaran was a great cook, right? So that night Iswaran
made very tasty dishes, and Mahinder enjoyed. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Right? So, Iswaran was very happy to have been praised, but then all of a sudden he started telling a story on supernatural stuff. Supernatural means something which cannot be explained scientifically, and it involves the presence of ghosts and spirits. Now here I tell you the meaning of garish. Note down. So garish here means very brightly colored in an unpleasant way. Here we will write unpleasant only. We'll focus on the meaning unpleasant. Listen to its pronunciation. Garish. Garish. So very brightly colored in an unpleasant way. But here in the story we'll just consider the meaning an unpleasant way. So khana khane ke baad Mahinder ne isko praise kiya, aur Mahinder ne jab Iswaran ko praise kiya, Iswaran ko bahut acha laga, lekin Iswaran ne ek kahani sunani shuru kar di bhooton ke wale upar. Chalo ab sunte hain uski bhooton wali kahani. You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. उसने कहा सर आजकल हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, द प्लेस वेयर वी आर लिविंग दीज डेज, दिस वेयर द फैक्ट्री इज बीइंग मेड, एक थोड़े साल पहले यहाँ पे कब्रिस्तान था. बेरियल ग्राउंड मीन्स कब्रिस्तान. नोट डाउन द वर्ड. दिस वर्ड इज टू बी प्रनाउंस्ड बेरियल. सो ही स्टार्टेड. सो महेंद्र वॉज जर्ग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट ट्रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. So you see, Mahinder was in a very pleasant mood because of the tasty food he had eaten. And the moment he heard that it was a kabristan, वो एकदम से डर गया. Jerked out means he, उसको झटका लगा, वो एकदम से अपने सपनों से बाहर आ गया. Note down the word reverie. Reverie is daydreaming or dreaming. So I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, Iswaran continued. कहता मेरे को पहले दिन ही पता लग गया था जब हम यहाँ आए थे. The very first day we came here, when I was walking on the way, I saw a khopdi. Skull means khopdi, of a dead man. Not right now dead, freshly dead. Dead long, long ago. So you see, and often मेरे को skulls और bones नजर आते हैं. Iswaran continued. Here you can see Iswaran, here is the skull, and here is the bone, and these tombstones, they are called tombstones, right? So they are, it means there are graves under them, and here is the factory, and here you can see a water tank. So he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. तो ये बताते हुए उसने महेंद्र को ये भी बताया कि अक्सर उसको भूत नजर आते थे वहाँ जहाँ वो रह रहे थे. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. Oh my God. कहता मेरे को भूतों से डर तो नहीं लगता, बट सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भूतों से डरता तो नहीं हूँ, मैं एक बहुत बहादुर इंसान हूँ, बट देयर इज वन प्रॉब्लम. एक गोस्ट है, हॉरिबल गोस्ट गोस्ट है एक औरत का, राइट? वो मेरे को कई बार नजर आ चुका है, और स्पेशली ऑन द फुल मून नाइट्स, पूर्णिमा की रात में नजर आता है वो मेरे को. एंड यू सी कैसा है ये, इट इज वेरी अगली, डरावना सा क्रीचर, मैटेड हेयर मतलब हेयर उसके अजीब से हैं, एंड श्रिवल्ड, श्रिवल्ड फेस मीन्स उसका फेस में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं, जैसे कि स्केलेटन हो, मतलब आधा स्केलेटन, जैसे जोम्बीज होते हैं. एंड लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म. Note down the word fetus. Fetus is a very small baby, right? Very, very small baby. So, ये ghost बड़ा डरावना है,
एंड लाइक स्केलेटन्स, बिल्कुल हड्डियों को जैसा, जैसे आपको पता ही है घोस्ट होते हैं। और सबसे डरावनी ये बात, इसने एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों में पकड़ा होता है। आई जस्ट शो यू बेटा, मे बी ए घोस्ट हैविंग ए फेस लाइक दिस, यू कैन सी हियर एंड इमेजिन दिस होल्डिंग ए बेबी इन इट्स हैंड। सो महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी स्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हैड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉन सेंस। एंड महेंद्र ये सुन के डर गया, राइट? और उसने उसको कहा, आर यू क्रेजी स्वरन, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? देर आर नो सच थिंग, घोस्ट एंड स्पिरिट्स डोंट एग्जिस्ट, बेटर नोट डाउन दिस वर्ड, फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट मीन्स इट एग्जिस्ट ओनली इन योर इमेजिनेशन, दैट इज इट इज ओनली इन योर हैड, नॉट रियलिटी, बट ए सिर्फ तुम्हें ही नजर आता है। एंड गेट योर सेल्फ चेक फ्रॉम ए डॉक्टर, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करवाओ एंड मे बी योर हैड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉन सेंस। सो ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, ये कह के वो चला गया, expecting Iswaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. So you see, ये कह डांट के उसको वो चला गया और महेंद्र को पता था, now since he had scolded him, he would be angry with him for a few days and he would not talk to him. Sulk means to feel sad for a couple of days because he had scolded him. But quite contrary to Mahendra's expectation, Mahinder found Iswaran his normal self. He was as cheerful and talkative, जैसे कि वो था, वैसा ही खुश था और बतूनी भी था. And from that day on, Mahinder, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. लेकिन उसके बाद Mahinder normal नहीं रहा. जब भी Mahinder रात को bed सोने के लिए जाता था, उसे डर लगता था. यहाँ पे मतलब unease means he used to feel scared. Every night he peered into the darkness, और हर रोज वो रात को डार्क अंधेरे में देखता था अपने रूम की विंडो से, outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity means neighborhood. Note down the word neighborhood, आस पास. तो उस अब महेंद्र डर गया, वो रोज रात को ना उठ उठ के अपनी विंडो से देखता था कि कहीं आस पास कोई भूत तो नहीं चल रहा, right? But he could only see a sea of darkness with twinkling lights of the factory miles away. लेकिन वहाँ पे उसको कुछ नजर नहीं आता था, अंधेरा ही अंधेरा, और दूर थोड़ी एक आध किलोमीटर दूर फैक्ट्री नजर आती थी जिसकी लाइट्स ऑन होती थी. सो ओके, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. But after hearing Swan's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. So you see, Mahinder liked seeing the night view, particularly on full moon nights. You see, when full moon night is there, moon is shining brightly, and in that light, everything looks very beautiful. Dim light, milky white light. So you see, Iswaran even, sorry, not Iswaran, Mahinder often, you see, enjoyed the scenery at night in the full moon night, right? But after hearing Iswaran's story, लेकिन जब से उसने Iswaran की स्टोरी सुनी थी कि full moon night में वो ghost नजर आता है, तो उसने बाहर देखना ही बंद कर दिया था अपनी विंडो से, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं मेरे को वो भूत नजर ही ना आ जाए. So let's see what happened next. One night, Mahinder was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Ek raat, Mahinder soya hua tha kuch dinon ke baad, aur uski aankh khul gayi shor sunke. Uski window ke paas se koi shor aa raha tha, moaning kisi ke rone ka. So at first he put it down to a cat prowling around for mice. Pehle to usne socha ki shayad ye कोई बिल्ली है जो चूहों के पीछे पीछे जा रही है उनका शिकार करने के लिए. प्राउलिंग इज व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर योर हंट,
particularly of an animal, right? But the sound was too guttural for a cat. But later on, Mahinder realized that that sound was not of a cat, right? So he resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. Now he did not want to look out to see whether there was a cat or something else. Why? Because he was scared to look out. He always, you see, now feared that there might be a ghost outside. So he did not want to look out because if he saw a ghost, his heart would stop. But the wailing became louder and less feline. Note down the word. Wailing means वो जो रोने की आवाज थी वो louder होती गई, और feline means related to cats, और ये cat की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी. Feline means related to cat. So he could not resist the temptation anymore. So अब उसका दिल करने लगा कि मुझे बाहर देखना ही पड़ेगा कौन रो रहा है. So lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. So ना वो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ विंडो पे, वो फ्लोर पे बैठ गया और धीरे धीरे विंडो की तरफ अपनी आईज लेके आया और बाहर देखा भी क्या है बाहर. एंड व्हाट डिड ही सी? देयर नॉट टू फार अवे वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल. और उसने वही देखा, थोड़ी दूरी के ऊपर एक डार्क सी फिगर थी और उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, बंडल. सो महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो. और महेंद्र ये देख के डर गया और वो पसीना आने लगा उसको, जिसको बोलते हैं तरेलियां, घबरा गया वो. एंड वो जल्दी से अपने पिल्लो पे लेट गया, पैंटिंग. पैंटिंग मीन्स उसको सांस चढ़ गई ऐसे ऐसे. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस, ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ. तो जो ही आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली. गास्टली मीन्स फ्राइटनिंग. तो आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, जब उसका थोड़ा डर कम हुआ उस फिगर को देख के, तो उसने रीजनिंग करने शुरू की थी. मीन्स ही स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. एंड देन ही उसने अपने आप को समझाया कि नो, ही डिड नॉट सी एक्चुअली ए गोस्ट, इट वॉज हिज माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिम. ऑटो सजेशन मीन्स उसके माइंड ने सजेस्ट किया था. So some trick that his subconscious had played on him, और उसके ये mind ने ही उसके साथ game play की थी. So by the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. So you see, जब वो सुबह उठा, नहा के तैयार वगैरह हुआ, तो जो रात को उसने डरावनी चीज देखी थी, उसकी याद उसके mind से चली गई थी. So Iswaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. And Iswaran, you see, उसको good morning की और उसको breakfast करवा के उसका lunch का box भी उसको दे दिया और उसका bag भी. Just as Mahendra was stepping out, Iswaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of mourning that was coming from your room, right?" तो कहता, सर आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी एक औरत के बारे में जो कि भूत है और अपने हाथों में एक छोटे से बेबी को लेके कैरी करती है, और आप इतने एंग्री थे, मतलब मैं आपने इतना गुस्सा किया मेरे को उसके बारे में क्योंकि मैंने आपको बताया. वेल, कल रात आपको पता क्या हुआ? आपको कल रात आपने खुद उस भूत को देखा और आप चिल्ला रहे थे. मैं भागा भागा आया आपके पास और आप अपने कमरे में डर के मारे आवाजें निकाल रहे थे. तो ये Iswaran ने कहा. सो तभी अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन. ही डिड नॉट वेट फॉर Iswaran टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. ये सुनते ही महेंद्र डर गया और वो अब काम पे नहीं गया, राइट? वो भागा ऑफिस में, ऑफिस में जाके अपना उसने रेजिग्नेशन दिया और कहा कि मैं इस भूतिया जगह पे काम नहीं करूंगा. दैट्स इट बेटा, द स्टोरी इज ओवर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.